चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ दो, कक्षा तीन। पाठ का नाम है एक याद, जो कि ये हिस्सा जवाहरलाल नेहरू के जीवन का एक हिस्सा है। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम जवाहरलाल नेहरू है। उन्होंने हमारे देश को महात्मा गांधी जी के साथ मिलके आजाद कराया था। जवाहरलाल नेहरू बच्चे से बहुत प्यार करते थे, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। चाचा नेहरू के जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक बार की बात है, 14 नवंबर का दिन था। चाचा नेहरू जी के निवास स्थान पर बहुत भीड़ थी। वहाँ बच्चों की टोलियाँ आती और उनका अभिनंदन करती। अभिनंदन यानी दिल से स्वागत करती। हार्दिक यानी दिल, अभिनंदन यानी स्वागत करती। नेहरू जी बच्चों को हंसता खेलता मुस्कुराता देखकर वो बहुत खुश रहते। मुस्कुराकर उठते, उन्हें मुस्कुराता देखकर बच्चे एक साथ मिलकर कहते, चाचा नेहरू जिंदाबाद। इन्हीं बच्चों के बीच में से एक बालिका उठती है और पंडित नेहरू जी के पास पहुंचकर आदर से कहती है, चाचा नेहरू मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। क्या कहती है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ऐसा कहकर उसने चाचा जी को एक छोटी पुस्तिका पकड़ाई, एक छोटी सी पुस्तिका, एक कॉपी पकड़ाई जिसपे उसे ऑटोग्राफ चाहिए था। चाचा ने उस पुस्तिका को खोला और तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस बीच बालिका ने कहा, चाचा केवल ऑटोग्राफ नहीं, कुछ शुभकामनाओं का संदेश तो लिखिए। क्या कहा उसने कि शुभकामना, चाचा जी कम से कम केवल ऑटोग्राफ ही नहीं, शुभकामना का कोई संदेश तो लिखिए। नेहरू जी ने पुस्तिका खोली और लिखा देखा नेहरू जी ने पुस्तिका खोलकर लिखा, जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कठिनाइयों में भी हंसते रहना चाहिए। कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए और कितनी भी बड़ी कठिनाइयां हो, कभी भी हमेशा मुस्कुराता रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। और नीचे शुभकामनाओं सहित और नीचे हस्ताक्षर उन्होंने कर दिए। फिर हस्ताक्षर करने के बाद नेहरू जी ने पुस्तिका लौटाई और बालिका के नेत्रों में प्रसन्नता की चमक, यानी वो उसकी आंखों में प्रसन्नता की झलक दिखाई दे रही थी। उसने हस्ताक्षर पुस्तिका को खोलकर देखा। किसने? बालिका ने। बालिका ने हस्ताक्षर पुस्तिका को खोलकर देखा और बोली, चाचा जी आज की तारीख तो लिखिए। क्या कहा उसने कि आज की तारीख तो लिखिए। नेहरू जी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने पुस्तिका लेकर कहा, लाओ तारीख भी लिख देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने पुस्तिका ले ली और नीचे तिथि लिख दी, यानी तारीख उन्होंने लिख दी। बालिका ने प्रसन्न होकर धन्यवाद कहा और कुछ सोचकर बोली, चाचा यह क्या आपने शुभकामना का वाक्य हिंदी में लिखा, आपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए हैं और तारीख उर्दू में डाली, आपने ऐसा क्यों किया? चाचा नेहरू जी हंसते हुए बोले, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही किया। तुमने आते ही कहा तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए,
मैंने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए। फिर तुमने कहा हिंदी में शुभकामनाओं का संदेश, तुमने शुभकामनाएं मांगी, तो मैंने हिंदी में लिखा। फिर तुमने तारीख लिखने को कहा, जो मैंने उर्दू में डाल दी। याद रखिए, याद रखो, खिचड़ी भाषा अगर बोलोगी तो खिचड़ी ही पाओगी। यह सुनकर बालिका सोच में पड़ गई। फिर मुस्कुराती हुई अपने साथियों के मध्य यानी बीच में जाकर बैठ गई। हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा एक ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अलग-अलग भाषाएं यूज में नहीं लेनी चाहिए। और जो भी बोलना चाहिए वो सोच समझकर कहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कठिन शब्द, शब्दार्थ। बाल दिवस, बाल यानी बच्चों, दिवस यानी दिन, बच्चों का दिन। हार्दिक, हार्दिक यानी दिल से। अभिनंदन, अभिनंदन यानी स्वागत करना। हस्ताक्षर यानी दस्तखत करना। संदेश यानी प्रेरक विचार। नेत्र यानी आँखों। प्रसन्नता यानी खुशी। मध्य यानी बीच में। अब हम क्या करेंगे, उल्टे अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं जैसे विलोम शब्द होते हैं, उसी तरीके से है जैसे कि हार। हार का उल्टा क्या होगा, माला तो नहीं होगा, जीत होगा। हार यानी हारना, हार यानी हारना और जीत यानी जीतना। हार का क्या हुआ, जीत। गुलाम, गुलाम का होगा आजाद। सेवक तो हो नहीं सकता, साथी भी नहीं होगा, बंदी भी नहीं होगा, इसलिए गुलाम का होगा आजाद। हंसना, हंसना का उल्टा क्या होगा, खेलना नहीं होगा, रोना होगा। हंसना का क्या हुआ, रोना। पढ़ना भी नहीं होगा, सोना भी नहीं है, इसलिए हंसना और रोना। अब इन शब्दों में से समान अर्थ वाले यानी समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द चुनकर इसमें लिखना है। आजाद, आजाद का शब्द समानार्थी शब्द होगा स्वतंत्र। आजाद का होगा स्वतंत्र। प्रथम, प्रथम का होगा पहला। अधिक, अधिक का क्या होगा, बहुत। प्यार, प्यार का क्या होगा समानार्थी शब्द, प्रेम। उसके बाद है नीचे लिखे शब्दों को बोल बोलकर लिखिए। हमें क्या करना है, इन्हें बोल बोलकर यहाँ नीचे लिखना है। प्रथम हस्ताक्षर यहाँ नीचे लिखेंगे बोल बोलकर। प्रधानमंत्री टोलिया वो यहाँ लिखेंगे। तुरंत अभिनंदन वो यहाँ लिखेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं, संदेश, जन्मदिन, प्रसन्नता, खिचड़ी, ये हमें बोल बोल कर लिखना है। और इसे लिखने में आपकी हैंडराइटिंग यानी कि सुलेख अच्छी होगी। लिख लिख कर पढ़िए और बोलिए। धन्यवाद।